आज मैं तुम्हें दरबार में बुलाया हूं। जानती है दरबार में बुलाने का मकसद क्या है महारानी? क्या मकसद है स्वामी जी? महारानी, हाँ स्वामी, संसार में देवाति देव महादेव ने धन दौलत ये शान ये शौकत सब कुछ दिया है मुझे, हाँ स्वामी, लेकिन महारानी हवेली में एक ही पुत्री या पुत्री नहीं है जिसके बिना ये राजपाटी ये धन दौलत सब कुछ उदास है। महारानी, हाँ स्वामी जी, सोचता रहता हूं मैं जब मैं इस राज से गुजर जाऊंगा तो आगे चल करके इस राज का क्या होगा महारानी? हे स्वामी, इस महल में दिन रात मैं भी बैठ करके सोचती रहती हूं, मेरे कोख में एक भी पुत्री नहीं है। हा महारानी, हा, लोग मुझे पुत्र के कारण लोग मुझे ताना मारते हैं, लोग मुझे एक बांजी कह करके संबोधित करते हैं। अगर यही मुझे पुत्र रहते तो आज लोग मुझे ताना नहीं मारते। देख रही हूं स्वामी जी, अगर किसी माँ बहन की गोद में बेटा देखती हूँ, जी करता है उनके गोद से बेटा छीन के मैं अपना गोद में ले लूं। नहीं महारानी, ऐसा सर्वे से तू मां नहीं कहलाएगी। जब विधाता को यही मंजूर है महारानी तो इसमें नहीं तो तू कुछ कर सकती है और नहीं तो मैं। तो आप पुत्र के कारण आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। पागल की तरह बातें क्यों कर रही है तू? मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारा शादी कैसे कर सकता हूँ महारानी? लेकिन सोनी, आप शादी करने से क्यों बार बार इनकार जा रहे हैं? महारानी, सोच रही है तू अपने दिलो दिमाग से कि मैं शादी करके ले आऊंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा।
लेकिन महारानी इस बात को तू भूल रही है। अगर मैं शादी कर लूंगा हो सकता है एक ना एक दिन मेरा दिल और दिमाग बदल जाएगा और छोटी पानी में लग जाएगा महारानी, तो हवेली में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। हे सुनी, जो भी कष्ट आएंगे जो भी दिक्कत आएंगे मैं अपने शरीर पे छीलूंगी, लेकिन एक पुत्र की जरूरी है सोनी। हाँ मैं नहीं, मेरी बात मान लीजिए सोनी, आप एक दूसरे की शादी कर लीजिए सोनी। नहीं भाई मान जाइए सोनी, कर रहा है तू? क्या हुआ? सुन रहा है महारानी क्या कह रही है? क्या कह रही है? महारानी कह रही है कि मैं एक बच्चे के लिए आज मैं दोबारा शादी कर लूं। अब महाराज इस समय महारानी जी जो भी कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है? अगर यहाँ महारानी जी का बात नहीं मानेंगे आज आपके राज से हम भी भाग जाएंगे। तू क्यों भाग जाएगा? बकरी भागे खाएंगे, ऐसा बेइज्जती आपके राज में नहीं रह सहेंगे। क्या? जब भी आपके राज में महाराज घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? वो देखो बंजवा राजा उत्तमपाल सिंह का महामंत्री आ रहा है, सराम सा बाबू रोड छोरी का बगले बगल की हाल हो जजमान। तो इसमें मेरा क्या गलती है? आपके कमर में बच्चा नहीं है भगवान, कमर में नहीं रेगा धाकरम। ओ कमर में नहीं, नहीं करम मैं बताओ हम कमर। लेकिन महाराज इस समय आप मानिए, बड़ी महाराज मैं नहीं मानूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर आप शादी नहीं करेंगे आपके राज में हम भी नौकरी नहीं करेंगे। रे उधर कहां जा रहा है? अरे तू चला जाएगा तो यहाँ का काम कौन करेगा? नहीं नहीं कपार पर टोकरी के पूछा नौकरी हा? पैखाना में पानी कौन मारेगा? पैखाना में पानी अब हम नहीं मारो। तो अब पैखाना में पानी मारता रहिए हो बिजली। ये सब काम विधाता के हाथों में। हाँ विधाता है, पैखाना साफ करता हूँ। नहीं तो आम महाराज मेरा कहना मानिए, बड़ी महारानी में नहीं हुआ तो छोटी महारानी में होगा, अगर कहीं उसमें भी नहीं हुआ तो ठंडी में फिर फंसा देंगे।